भी एक कोई भी शब्द मेरे पास जिसे बोला जा सकता निशब्द, इतने मेहनती कलाकार हैं और इतने मैं इनको मेहनत करते हुए देख रहा हूँ आज के डेट में, और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में ये आमिर खान शाहरुख खान के सामने पैरेलल खड़ा होने वाले हैं, ऐसी मेरी पूरी इच्छा है मन से, और ऊपर वाले से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनको इतना तरक्की दे और ये इसी प्रकार आगे भी इस तरह की मूवी बनाते रहें। और सुपरस्टार और जिनकी इनका सोच के बारे में मैं इतना कहूँगा, इस सबके बारे में सोचते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो अभिनय का जौहर काफ़ी फिल्मों में दिखाया उन्होंने, तो क्या कहना चाहिए, कहीं मौका मिला इनका अभिनय देखने का किसी फिल्म में, क्या खास नजर आया इनके अभिनय में? ये बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं और आने वाले दिन में बड़े स्क्रीन में आपको नजर आएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। अरे भाई आप बताइए, इतने बड़े बड़े लोग आए आपको मुबारकबाद देने के लिए, आपका आदेश रहने के लिए। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ही हाँ कर दे समझ लो सक्सेस ही है, क्योंकि आप सबका प्यार मिल गया और पूरे देश का प्यार मिल रहा है एक बार ही हाँ कर दे को तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। एक बार ही हाँ कर दे इंशाल्लाह सुपर हिट है और सुपर डुपर हिट है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा आज मैंने देखा कम से कम इंडस्ट्री के 40 सेलिब्रिटी स्टार हमें बधाई देने आ गए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि एक बार ही हाँ कर दे माशाल्लाह ऑलरेडी ऑन हो गया, आप सब यूट्यूब पे देख सकते हैं, और आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें और इसी तरह मैं सिनेमा के क्षेत्र में काम करता रहूं, आपकी दुआ और प्यार मुझे इसलिए बना रहे, बस दुआ में याद रखिए। और दूसरी बात मैं करना चाहता हूं, आज मेरे दोस्त बहुत ही विशाल जिनका नाम है, मैं दुआ करता हूं कि भारत में जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब ने चाय की दुकान से शुरू किया, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, तो विशाल जी के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ, उनको जन्मदिन पे उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो भारत में एक विशाल की तरह ऐसे खड़े हों जैसे नरेंद्र मोदी जी आज खड़े हैं, अटल बिहारी जी का नाम हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है इनके नाम में जो विशाल है ये ज़रूर उस विशाल इमारत की तरह भारत में इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैं एक बार इनके बारे में एक बार बता दूँ कि ये दिन हो या रात हो ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए लेकिन आज मुझे कहनी पड़ रही है, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं, ऐसा महान आदमी मैं सलूट करता हूं विशाल जी, आप इसी तरह जियो हजारों साल, ये दिल से दुआ दे रहा है कमाल, बार बार ये दिल गाए, बार बार ये दिन आए, तुम जियो हजारों साल विशाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, लव यू, थैंक यू सो मच। मैं जन्मदिन में आप लोग आए, आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, कमाल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी सेलिब्रिटी आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस प्रकार इन्होंने मुझे प्यार दिया है आने वाले दिन में भी इसी तरह मुझे प्यार देते रहें, और आप लोग की सेवा के लिए 24 घंटा अवेलेबल हूँ, कभी भी अगर आप लोग की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ती है मैं निश्चित ही आप लोग के साथ इस समय यहाँ पर। एक तो इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और दूसरा हमारे जो भाई हैं ताहिर कमाल खान साहब, उनका जो एल्बम है म्यूज़िक एल्बम एक बारी हाँ कर दे उसका म्यूज़िक लॉन्च है, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विक्रमजीत रांझा, सिंगर भी वही हैं और हमारे भाई ने उसके अंदर अपना अभिनय प्रदर्शन किया है। लेकिन आप मिस कर गए क्योंकि सबसे पहले जन्मदिन का मुबारकबाद अमित शाह जी के द्वारा आया। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्ड आया है जो मैं कल फेसबुक पर डिस्प्ले करूंगा। आप लोग का आशीर्वाद है कि आज आपके भाई को नेशनल लेवल के लीडर लोग भी जानते हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे यहाँ के विधायक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के साथ में सुबह हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें शुभेच्छा दिया और इसी तरह आगे भी काम करने की उन्होंने ये बोला, कल उनका कार्यक्रम था उसमें गया था, उन्होंने बोला कि आप अच्छा से काम करो, इसी प्रकार आगे और भी काम करते रहेंगे और देश का सेवा करने के लिए अगर हमें धरती में लाया गया है तो मैं धरती माँ का सेवा हरदम करता रहूँगा। सुबह से ही कार्यक्रम में व्यस्त था मैं, सुबह मलाड में अम्बुजवाड़ी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया हूँ, वहाँ पर महिलाओं को छतरी वितरण किया हूँ, और जटरी में जाके वहाँ पर भी बरसाती और जो छाता होता है उसको वितरण किया हूँ मैं, और मंदिर गया हूँ, परिवार के साथ रात में बिताऊँगा। विशाल जी तीन कुमारें भी हैं, इनकी शादी कब करवा रहे हैं आप?
ये कुमारे तो लगे हुए लाइन प्यार के मारे। आने वाले दिन में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी इनको लड़कियाँ मिल जाए और शादी कर ले, बारिश हो जाए इनके भी, बारिश हो जाए।